मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति सुनील को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़, सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे, ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊँगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने ज्योति को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी ज्योति का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता, अब सबके लिए खाना बनाओ पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। सुनील हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो सुनील ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी ज्योति ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तो तल के खिला दूंगी। सुनील चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल ज्योति को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है। वो घर से निकल गया। ज्योति गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ ख़त्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब तो आए खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने सुनील के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें सुनील स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिझोड़ा, अरे क्या हुआ, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या सुनील ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो ज्योति की नींद टूटी हो। नहीं नहीं मम्मी, इन्होंने बताया था, पर चलो अब अंदर तो आओ। सुनील तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, ज्योति गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन ज्योति को मानो सांप सूं गया हो। क्या करती बेचारी, वो अपने हाथों से ही बनाए अधपक्के और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? ज्योति बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना ख़त्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। सुनील कुछ काम है अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। सुनील के जाते ही मम्मी जो बहुत देर से चुप बैठी थी बोल पड़ी, क्या सुनील ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक ज्योति के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, ज्योति की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला बहुत दुखी मन से उन्होंने ज्योति को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी जितना किसी को सम्मान दोगी
उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे सुनील हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना चाहिए। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप लोगों को यह वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।